नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं आपके अपने चैनल विस्तार न्यूज़ में, आपके अपने कार्यक्रम द एडिटर शो के साथ। इस शो में हम आपको दिखाते हैं दिन भर की वो खास खबरें जिनको जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। शो में सबसे पहले बात होगी पश्चिम बंगाल के सियासी अखाड़े की। सियासी अखाड़ा इसलिए क्योंकि बीजेपी पूरी ताकत से ममता के इस गढ़ पर कब्जे की कोशिश कर रही है, जिसकी अगुवाई खुद पीएम मोदी के हाथों में है। राज्य में रामनवमी के जुलूस पर ताजा पथराव कैसे बीजेपी की लकीर को आगे बढ़ा रहा है, वो हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। शो में दूसरी खबर भी चुनावी महासमर से जुड़ी है। 2024 के आम चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान में महज अब चंद घंटों का ही समय बचा है। मध्य प्रदेश समेत छत्तीसगढ़ और देश के दूसरे राज्यों में किन किन दिग्गजों की साख इस चुनाव में दांव पर है, साथ ही चुनाव की तैयारियां कैसी हैं, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस खबर को आपको जरूर देखना चाहिए। आपको ये बात हैरान करेगी कि सचिन तेंदुलकर मध्य प्रदेश के वोटर हैं। सच में ये ताज्जुब की बात है, लेकिन सचिन ही नहीं, महज 20 रुपए देकर आप किसी भी मशहूर हस्ती की वोटर आईडी कार्ड बना सकते हैं। कैसे हो रहा है गोरखधंधा, वो भी हम आपको बताएंगे। वैसे कल बस्तर में भी मतदान है। अभी हाल ही में पास के जिले कांकेर में मुठभेड़ हुई है, बावजूद इसके बस्तर में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जिसकी तस्वीरें आपको इस शो में मिस नहीं करना चाहिए। पता नहीं क्यों कांग्रेस अपने पुराने अनुभव से सीखने के लिए तैयार नहीं है। कांकेर में जिस तरह से सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर वार किया है, उससे पूरा देश गदगद है, लेकिन कांग्रेस के नेता हैं कि अपने बयानों से खुद अपनी जग हंसाई करवा रहे हैं। आखिर सेल्फ गोल क्यों करती है कांग्रेस, ये भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही बात करेंगे रायपुर के उन दोषियों की, जिनकी वजह से दो लोग बेवक्त बेवजह मौत के कुएं में समा गए। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में रामनवमी के जुलूस के दौरान पत्थरबाजी की घटना से। दरअसल मुर्शिदाबाद जिले के रेजीनगर स्थित शक्तिपुर इलाके में रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान झड़प और हिंसा का दावा किया गया है। शोभा यात्रा के दौरान मस्जिद के सामने छतों से पथराव हुआ। नौबत यह आ गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी का आरोप है रेजीनगर में हिंदू श्रद्धालुओं को जानबूझकर निशाना बनाया गया। एक, दो, तीन, चार, पांच और ऐसे कई लोग इस छत पर खड़े हैं, जो कि बंगाल के मुर्शिदाबाद के शक्तिपुर में राम भक्तों पर पत्थर बरसा रहे हैं। देशभर की तरह यहां भी रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, लेकिन राम भक्तों पर मस्जिद के पास हमला होने लगा, ईंट पत्थर बरसाए जाने लगे। नफरत की आग बंगाल में ऐसी लगी है कि इन आरोपियों ने शोभा यात्रा पर बम फेंकना भी शुरू कर दिया। माना जा रहा है कि बम फेंकने के कारण ही यहां पर आग लगी। मुर्शिदाबाद में माणिक्य हार में भी हिंदू घरों और दुकानों में आगजनी की गई, लूटपाट की गई। मगर सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल में रामनवमी पर हिंसा प्लान थी? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि खुद बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंच से मुर्शिदाबाद में हिंसा होने की बात कही थी। अगर मुर्शिदाबाद मालदा में दंगा हो जाए तो इसको जमींदारी इलेक्शन कमीशन को लेना होगा कि हमको पता है कौन दंगा संभाल सकता है। आप जानबूझ के बीजेपी का बात पे आप चुन चुन के ऑफिसर चेंज करते हैं। बीजेपी भी बंगाल में ये सवाल पूछ रही है कि आखिर ममता बनर्जी को हिंसा होने की बात पता कैसे थी। आपको मालूम है कि परसों हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ बिहार में मुसलमान भाइयों और बहनों को मंच से ये बोला है कि जो लोग रामनवमी का मिचिल करते हैं वो लोग दंगा बनाने का कोशिश कर रहे हैं। कितना साहस है उनका, आज मुसलमान भाई बहनों को उस्काने का कोशिश कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री ताकि दंगा लगे। ममता बनर्जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद डीआईजी का चुनाव आयोग ने ट्रांसफर कर दिया है, इसीलिए हिंसा हो सकती है। हिंसा हुई भी मगर ममता बनर्जी की पुलिस के सामने।
पुलिस के सामने राम भक्तों को मारा गया और वो इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर पाई, जबकि ममता बनर्जी ने पहले ही आशंका जताई थी। यानी ममता की पुलिस किसके इशारे पर काम कर रही है, ये बड़ा सवाल है। बंगाल में ये जुलूस पुलिस से परमिशन लेने के बाद ही निकाला गया था, मगर पुलिस ने कोई तैयारी नहीं की। जब दंगा भड़का और यात्रा पर हमला होने लगा तो पुलिस ने सिर्फ लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले दागने का काम किया। इस पत्थरबाजी में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस दौरान एक धमाका भी हुआ जिसमें एक महिला घायल हो गई थी। पिछले साल भी रामनवमी पर ऐसी ही हिंसा हुई। 30 मार्च 2023 को भी पश्चिम बंगाल के नॉर्थ दिनाजपुर में विश्व हिंदू परिषद के रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा हुई। इसमें 3 पुलिस वालों समेत करीब 15 लोग घायल हुए। 10 से ज्यादा वाहनों को जला दिया गया, 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई। पिछले साल हुई हिंसा पर पीएम मोदी ने भी ममता बनर्जी पर सवाल उठाए थे। बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा की परमिशन नहीं मिलते, उसके लिए श्रद्धालुओं को कोर्ट जाना पड़ता है, लेकिन रामनवमी और दुर्गा पूजा की शोभा यात्राओं पर पत्थर फेंकने वालों को टीएमसी सरकार ने पूरी परमिशन दे रखी है। लेकिन बंगाल में तस्वीर इस साल भी नहीं बदली और ममता के राज में राम भक्तों पर हमले इस रामनवमी भी जारी रहे। रामनवमी में ये सब हो रहा था। पहले जरूर ममता बनर्जी ने हिंसा होने की बात कही, लेकिन जब हिंसा हो गई तो इस पर कोई उनका बयान नहीं आया। हैरान करने वाली बात यह भी है कि रामनवमी में जब एक और पूरा देश इस बार उत्साहित था कि रामलला का जन्मोत्सव पहली बार अयोध्या के राम मंदिर में मनाया जा रहा है, तो उसी रामनवमी पर राम भक्त पत्थर खा रहे थे, हमलों से बच रहे थे और ये सब हो रहा था बंगाल पुलिस के सामने। लोकसभा चुनाव 2024 के पहले चरण के लिए बुधवार शाम को प्रचार समाप्त हो गया। कल इस चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। पहले फेज के चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के कैंपेन का नेतृत्व किया। पहले चरण का चुनाव प्रचार खत्म होने तक पीएम मोदी 36 रैलियां और 7 रोड शो कर चुके हैं। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 22 सार्वजनिक कार्यक्रम कर चुके हैं, जिनमें 8 रोड शो और जनसभाएं शामिल हैं। एमपी और छत्तीसगढ़ की 7 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। शुक्रवार को पहले चरण की वोटिंग का दिन है। देश भर की 102 सीटों पर चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों के भविष्य का फैसला होगा, जिनमें 1625 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। चुनाव शुरू होने के पहले हर पोलिंग बूथ पर मॉक पोल 1.5 घंटे तक कर लिया जाएगा, ताकि ईवीएम को चेक कर लिया जाए। कुल 13 चरण में चुनाव होने हैं, जिनमें पहले चरण में कई हाई प्रोफाइल सीट भी शामिल है। आपको बता दें, नागपुर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बीजेपी की ओर से खड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस ने विकास ठाकरे को उनके खिलाफ उतारा है। अरुणाचल से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू को टिकट दिया, उनके खिलाफ कांग्रेस के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री नवाब तुर्की मैदान में हैं। डिब्रूगढ़ से बीजेपी ने सर्बानंद सोनोवाल को तो एजीपी ने लुरियन ज्योति गोगोई को टिकट दिया है। इन सीटों में सबसे ज्यादा नजर अगर किसी सीट पर है तो वो है छिंदवाड़ा। इस सीट पर कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में हैं, जिनके खिलाफ बीजेपी के विवेक बंटी साहू हैं। बंटी साहू के प्रचार के लिए गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई दौरे खुद सीएम मोहन यादव ने किए थे। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय लगातार छिंदवाड़ा में कांग्रेस के नेताओं को बीजेपी में शामिल करवा चुके हैं। बीजेपी छिंदवाड़ा जीतने का बार बार दावा भी कर रही है, जबकि ये सीट कांग्रेस के नाथ परिवार के वर्चस्व वाली है। जो मैं उत्साह देख रहा हूं और जो मैं तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज सुन रहा हूं, वह मुझे तो उत्साहित कर ही रही है, लेकिन मुझे इस बात का आश्वासन दे रही है कि आपने छिंदवाड़ा में बदलाव का निर्णय ले लिया है। छिंदवाड़ा की सीट सिर्फ इसलिए हाई प्रोफाइल नहीं है,
कि इससे नकुल्ला चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि इसलिए भी हाई प्रोफाइल है क्योंकि इससे देश के सबसे अमीर उम्मीदवार में से एक नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। सबसे अमीर उम्मीदवार नकुलनाथ, कुल 649,52,00,000 रुपए की संपत्ति है इनकी। सालाना आय 12 करोड़ से ज्यादा है। 48 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। पत्नी प्रिया नाथ के पास 19,20,00,000 की संपत्ति है। नकुलनाथ के पास 12 बैंक अकाउंट हैं, जिसमें से 8 भारत में और 4 खाते विदेश में हैं। नकुलनाथ और कमलनाथ के पास प्राइवेट हेलीकॉप्टर हैं, जिसका इस्तेमाल वो छिंदवाड़ा में अक्सर करते नजर आते हैं। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि नकुलनाथ के इतने अमीर होने के बाद उनके पास अपनी कार नहीं है। साल 2019 में जब नकुलनाथ संसद पहुंचे थे तो सबसे अमीर सांसद थे। उस वक्त उनके पास 600 करोड़ रुपए से ज्यादा की चल संपत्ति थी। पहले चरण में छत्तीसगढ़ की एक सीट पर भी चुनाव होना है, जिसमें बस्तर से बीजेपी के महेश कश्यप और कांग्रेस के कवासी लखमा चुनावी मैदान में है। ये सीट मौजूदा वक्त में कांग्रेस के पास है। यहाँ दीपक बैज सांसद हैं। इस बार मोदी पर विवादित बयान देने वाले कवासी लखमा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है, जिन पर लगातार बीजेपी हमलावर भी रही। जिस प्रकार से कांग्रेस के प्रत्याशी ने छत्तीसगढ़ में कवासी लखमा ने कहा, कवासी लखमा जीतेगा मोदी मरेगा, क्योंकि कोई मुद्दा नहीं है नरेंद्र मोदी जी के मिशन विशन पर बोलने के लिए, क्योंकि उनकी डिलीवरी पर वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो फ्रस्ट्रेशन में आके इस प्रकार की बातें करते हैं और गालियां देने का काम करते हैं। अगर आप भी उन 102 में से किसी एक सीट पर रहते हैं जहाँ लोकसभा चुनाव है, तो सबसे पहले जाकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, क्योंकि मतदान ही आपको और देश के भविष्य को आगे ले जाने का लोकतांत्रिक तरीका है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। पहले चरण में ही चुनावी वार पलटवार अपने पूरे शबाब पर है। अभी 6 चरण और बाकी हैं, तो ये मानिए कि आगे भी खूब जुबानी जंग देखने को मिलेगी। चुनाव में सबसे बड़ी मुसीबत चुनाव आयोग के सामने आती है, वो है फर्जी वोटर की। कई लोग अलग अलग जगह से अपना वोटर आई कार्ड बनवा लेते हैं, मगर मध्य प्रदेश में तो फर्जीवाड़े की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ तो क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का भी फर्जी वोटर आई कार्ड बनवा दिया गया। ये फर्जी वोटर आई कार्ड बनवाने में सिर्फ 20 रुपये ही खर्च हुए। ये फर्जीवाड़ा देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था यानी चुनाव पर असर डाल रहा है। हमने उसमें वेबसाइट में जब हमने एंटर किया और फर्जी आई कार्ड बनाने की कोशिश की, तो बहुत ही नॉमिनल रेट में QR कोड के माध्यम से पेमेंट करके 20 रुपए में एक फर्जी वोटर आई कार्ड हमने प्रिंट कर दिया। इसमें सचिन तेंदुलकर जी का हमने फोटो डाल दिया, फादर का, इनका खुद का नाम सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो है लेकिन नाम हमने कुछ और डाल दिया, पिता का नाम कुछ और डाल दिया, डेट ऑफ बर्थ कुछ और डाल दिया, और हूबहू ओरिजिनल वोटर आई कार्ड से मिलती जुलती, ये ओरिजिनल है और ये फेक है, एग्जैक्टली मिलती हुई आई कार्ड प्रिंट हो गई उस वेबसाइट से। इसी तरीके से इनकम टैक्स के जो पैन कार्ड बनते हैं, ये ओरिजिनल है और ये फेक है, इसमें कोई और फोटो है, कुछ और नाम है, लेकिन हूबहू आप इसके डिटेल्स देखेंगे तो एग्जैक्टली मिलती हुई मिलेगी आपको। आप सभी के पास आधार कार्ड होगा, आप सभी ने देखा होगा ओरिजिनल आधार कार्ड, ये हमने फेक आधार कार्ड बनवाया। ये सचिन तेंदुलकर जी की फ़ोटो है, इसमें डेट ऑफ बर्थ डिफरेंट है, एड्रेस डिफरेंट है, फादर्स नेम डिफरेंट है, लेकिन हूबहू एग्जैक्ट आई कार्ड प्रिंट हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बस्तर लोकसभा सीट के लिए 19 अप्रैल को वोटिंग होनी है। इस बार बस्तर जिला प्रशासन ने पहली बार शहरी क्षेत्रों में वोटिंग की पूरी कमान महिलाओं के हाथों में सौंप दी है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जगदलपुर शहरी क्षेत्र के सारे 125 पोलिंग बूथ पर सिर्फ और सिर्फ महिला कर्मी ही नजर आएंगी। इस हेतु 650 महिला कर्मियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई है। लोकतंत्र के त्योहार को धूमधाम से मनाने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी मतदान कराने के लिए टीमें अपनी तैयारी कर रही थीं, पर इन पुरुषों की भीड़ में एक टीम महिलाओं की भी है। बस्तर लोकसभा सीट के लिए होने जा रहे चुनाव की कमान इन महिलाओं को सौंपी गई है। बस्तर में पहली बार है कि लोकसभा चुनाव की पूरी जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कंधों पर है। बस्तर जिले में खास तौर पर जगदलपुर शहर में जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर 125 पोलिंग बूथों में सिर्फ महिलाओं द्वारा ही पोलिंग की इस पूरी प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में वोटिंग कराना इतना भी आसान नहीं है। प्रशासन के लिए यहाँ वोटिंग कराना चुनौतीपूर्ण है, पर अब महिलाओं की भागीदारी होना ये बताता है कि बस्तर की तस्वीर बदल रही है। बस्तर में 1961 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 125 बूथ पर महिलाएं तैनात रहेंगी, जो 101 नगर निगम और 11 पंचायतों को संभालेंगी। महिलाएं 13 ब्लॉक पर वोटिंग कराएंगी। इसके लिए 650 महिला कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। बस्तर के शहरी और ब्लॉक मुख्यालयों में वोटिंग कराकर महिला कर्मी लोकतंत्र को मजबूती देने में अपनी आहुति देंगी। जिला निर्वाचन अधिकारी भी इस बदलाव को एक पॉजिटिव मैसेज बता रहे हैं। कि जब बस्तर की चुनाव की हम बात करते हैं तो हमेशा चुनाव की प्रक्रिया से हट के बहुत सारी चीज़ें आना शुरू हो जाता है, तो एक नॉर्मल सी को दिखाने के लिए और महिलाएं भी उतने ही बड़ी मात्रा में इस पूरे चुनाव के एक पर्व में जुड़ सकते हैं और इसमें कंधों से कंधा मिलाकर हमारा साथ दे सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए एक पॉजिटिव मैसेज के साथ हम लोग इस चुनाव को संपन्न कराएंगे। कुल कितने पोलिंग बूथ हैं जहाँ पर महिलाएँ इस बार वोटिंग करवाएंगी? टोटल अगर नगर निगम क्षेत्र की बात करेंगे तो 101 बूथ होंगे और नगर पंचायत में हमारे पास 11 बूथ होंगे और बचे हुए जो 13 हमारे पोलिंग स्टेशन जो है ब्लॉक मुख्यालयों में रहेंगे। टोटल 125 मतदान केंद्र ऐसे होंगे जो हमारे महिलाएं संपूर्ण तरीके से संपादन कराएंगे। 125 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पर सिर्फ महिलाएँ ही वोटिंग की पूरी जिम्मेदारियों को निभाएगी और ऐसा बस्तर ज़िले में पहली बार हो रहा है कि इस तरह का इनिशिएटिव प्रशासन द्वारा लिया गया है। बस्तर से मैं संजय ठाकुर, विस्तार न्यूज़ के लिए। बस्तर जैसे नक्सली इलाके में जब ये महिलाएं अपने हाथों में चुनाव की कमान संभालेंगी तो निश्चित ही देश भर में बदलते बस्तर की एक शानदार तस्वीर सामने जाएगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में मारे गए 29 नक्सलियों के मामले में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष सुप्रिया सिनेत गुरुवार को रायपुर पहुंची। उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें ये नक्सलियों के मामले में कहती दिखती हैं कि शहीदों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। इसी मुद्दे पर सफाई देने और भाजपा कई तरह के आरोप लगाने के बाद श्री नेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। रायपुर के राजीव भवन में हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस जब मीडिया ने पूछा तो कांग्रेस के नेता अक्सर ऐसे मामलों में कुछ बोल जाते हैं और फिर लीपापोती करते हैं। ये सवाल सुनकर श्री नेत झुंझा उठी, उंगली दिखाकर मीडिया कर्मी से बोली कि आप उस कांग्रेस पार्टी से बात कर रहे हैं जिसने अपने नेताओं को झीरम के हमले में खोया है, ये सवाल आपके ऊपर एक धब्बा है, ऐसे सवाल कांग्रेस से नहीं पूछना चाहिए। जो मारे गए वो शहीद हैं। ये बयान उन नक्सलियों के लिए दिया जा रहा है जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर में लाल आतंक की दहशत मचाई हुई थी, मगर उनको अब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत शहीद बता रही है। शहादत का मतलब शायद राजनीति में सुप्रिया श्रीनेत भूल गई है। वो भूल गई है कि जिन 29 नक्सलियों को हमारे वीर जवानों ने मार गिराया वो शहीद नहीं थे, देश के गद्दार थे। ऐसे गद्दारों को चुनावों के पहले शहीद कहकर कांग्रेस नेता राजनीति की रोटियां सेक रही हैं। और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षा कर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत भले ही बोल रही हो कि वो राजनीति नहीं कर रही, लेकिन चुनावों के पहले इसे राजनीति नहीं कहें तो क्या कहें? जब उनको जवानों के शौर्य को सलाम करना चाहिए तब वो नक्सलियों को शहीद बोल रही हैं। बीजेपी ने इसका पलटवार भी करना शुरू कर दिया। ये बहुत ही शर्मनाक बयान है और जिस तरह से कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद की आग में झोंका था, ये बयान उसको समर्थन करने वाला है, यह अत्यंत दुर्भाग्यजनक। बयान देने के कुछ घंटे बाद ही सुप्रिया श्रीनेत को छत्तीसगढ़ के रायपुर आना था, मगर उनके इस विवादित बयान के बाद बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत के छत्तीसगढ़ दौरे पर सवाल उठाए हैं।
पिछले दो दिनों से देश के लोग अपने इन जवानों पर गर्व कर रहे हैं जिन्होंने छत्तीसगढ़ के कांकेर में सबसे बड़े नक्सली ऑपरेशन को अंजाम दिया, एक साथ 29 नक्सलियों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन कांग्रेस कि जिन नक्सलियों ने छत्तीसगढ़ महतारी के धरती को निर्दोष छत्तीसगढ़ियों के खून से लाल किया, ऐसे बर्बर नक्सलियों को शहीद बताकर छत्तीसगढ़ की जनता, पुलिस बल और लोकतंत्र का मजाक बनाने वाली कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, आपका आगमन इस पावन धरती को स्वीकार नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत से जब मीडिया ने इस पर सवाल किए तो उन्होंने मीडिया से ही आहत होने की बात कही। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आपके सवाल से मैं थोड़ी आहत भी हूं और थोड़ी दुखी भी हूं। कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को हमने इन्हीं नक्सलियों के हाथ खोया था 2013 में झीरम घाटी में। ऐसी हिंसा ऐसे नक्सलियों के साथ हमारी जरा सी भी सहानुभूति हो सकती है? जब जवाब देने की बारी सुप्रिया की आई तो सुप्रिया ने कहा कि बीजेपी ने उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया है। आप किसी की बात को काट छाट के लगा दीजिएगा और मैं उसका जवाब दूंगी। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ पर मेरे परिवार के सदस्यों ने जंग लड़ी है, आर्मी में काम किया है, कारगिल का युद्ध लड़ा है, मेरे चाचा का हाथ उड़ गया था। क्या बात करते हैं ये लोग। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब सुप्रिया श्रीनेत विवादों में रही हूँ। इससे पहले कंगना के मंडी से चुनाव लड़ने के मुद्दे पर भी उनके अकाउंट से विवादित ट्वीट सामने आए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उधर रायपुर में हुई दो मौतों ने कई सवाल उठा दिए हैं। यहाँ अशोका बिरयानी रेस्टोरेंट के दो कर्मचारियों को सफाई के लिए गटर में उतारा गया, जहाँ जाने के बाद दोनों लौट कर नहीं आ पाए। नियमों की धज्जियां उड़ाकर आखिर क्यों इन दोनों लोगों को मौत के मुंह में भेजा जाता है, इस पर अब हम सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ होटल में लंच चल रहा था तो दूसरी तरफ कर्मचारियों की गटर में लाश निकाली जा रही थी। रायपुर के जीई रोड स्थित अशोका बिरयानी सेंटर में अपने ही कर्मचारियों की मौत पर जो इस होटल प्रबंधन ने असंवेदनशीलता दिखाई उसको देखकर हर कोई हैरान था। दरअसल इस होटल में काम करने वाले डेविड साहू और नील कमल पटेल को गटर में सफाई के लिए भेज दिया गया, जिसके बाद दोनों की मौत इसी गटर में हो गई। मगर होटल ने अपना काम नहीं रोका बल्कि यहां पर लगातार लोगों को खाना परोसा जाता रहा। होटल की लापरवाही के चलते हुई इन मौत की खबर को कवर करने जब पत्रकार पहुंचे तो इस होटल प्रबंधक ने मारपीट करना शुरू कर दिया। ये ही नहीं, होटल की तस्वीरें टीवी पर ना आए इसलिए कैमरा भी तोड़ दिया। हम पूछने आए हैं, पूछने आए कौन है, पूछने आए पूछ नहीं सकते। कुछ पता नहीं, आप कुछ भी पूछ के कुछ भी रिपोर्ट बनाएंगे? नहीं नहीं, पूछ तो रहे हैं, पूछ तो रहे हैं। कैमरा मत छुए, कैमरा सब रिकॉर्ड हो रहा है। कैमरा नहीं कर, कैमरा तोड़ नहीं सकते आप, कैमरा नहीं तोड़ सकते। मगर इस मामले में होटल प्रबंधक मीडिया से इतना बचता हुआ क्यों आया, उसका कारण भी जान लीजिए। दरअसल मरने वाले शामिल नील कुमार पटेल जांजगीर चांपा का रहने वाला था। उसके परिवार का दावा है कि वो इलेक्ट्रीशियन था और काम करेंगे जैसे इलेक्ट्रीशियन पढ़ा रहे हैं तो इलेक्ट्रीशियन काम करेंगे जैसे वहाँ रेस्टोरेंट में इलेक्ट्रीशियन के काम करते हूँ इसे घर के बोला था जैसे। यानी इलेक्ट्रीशियन को सफाई करने गटर में उतार दिया गया, यानी दोनों को सफाई के लिए भेजने से पहले सेफ्टी उपकरण नहीं दिए गए। भारत में ज्यादातर सफाई कर्मियों की मौत सेफ्टी उपकरण न मिलने के कारण ही होती है। हालांकि इसको लेकर सालों पहले ही कानून बनाए गए हैं ताकि मैनुअल स्केवेंजिंग यानी गटर नाली की सफाई के दौरान किसी भी कर्मचारी की जान ना जाए। भारत में मैनुअल स्केवेंजिंग 1993 से बैन है। 2013 में ऐसे कर्मचारियों की संख्या 13,000 थी, 2018 में बढ़कर 42,303 हो गई। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए कर्मचारियों के लिए नियम बनाए, परिवारों को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का फैसला किया गया। साल 2022 में लोकसभा में सामाजिक न्याय मंत्रालय से पूछे गए एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने माना है कि भारत में इंसानों से गंदे नालों और सेप्टिक टैंकों को साफ कराने की प्रथा अभी भी जारी है और इसमें सैकड़ों लोगों की जाने जा रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सफाई के दौरान साल 2017 में 92 मौतें हुई, साल 2018 में 67 मौत हुई, साल 2019 में 116 मौतें, साल 2020 में 19 मौतें, साल 2021 में 36 मौतें हुई।
दरअसल नालों में लंबे समय से गंदगी के पड़े होने की वजह से जहरीली गैसें बन जाती हैं और अक्सर यही गैसें सफाई कर्मियों की जान ले लेती हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारें इसको रोकने के लिए कोशिश नहीं करती, बल्कि CSIR ने मशीनी सीवेज सफाई प्रणाली बनाई है। 5000 से ज्यादा आबादी वाले शहरों में किया जा सकता है और नियमों के बाद भी मशीनों की जगहों कर्मचारियों को सफाई के लिए उतारा जा रहा है। रमोन मैगसेसे पुरस्कार विजेता और सफाई कर्मचारी आंदोलन के राष्ट्रीय संयोजक बेजवाड़ा विल्सन ने इस मांग को लेकर एक अभियान भी छेड़ा है, लेकिन रायपुर में हुई इस तरह की घटनाएं उदाहरण है कि हम अभी भी इन मुद्दों पर उतने संवेदनशील नहीं हैं जितना हमें होना चाहिए। गटर में जाने पर होने वाली मौत पर हम हमेशा खबरें दिखाते हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्यों इसको लेकर बनाए गए नियम लागू नहीं होते। चुनाव को लेकर हमने आपको तमाम संजीदा खबरें दिखाई, अब शो में वक्त है चलते चलते का, जिसमें हम आपको लगातार लोकसभा चुनाव के अलग अलग रंग भी दिखा रहे हैं। आज भी कुछ सियासी मैदान में ऐसे ही रंग देखने को मिले। होशंगाबाद में कांग्रेस प्रत्याशी के तेंदुखेड़ा के समर्थन में प्रचार के लिए पहुंचे मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी चाय बनाते हुए नजर आए। इस दौरान कभी जीतू पटवारी मन मुताबिक शक्कर डालते देखे तो कभी चाय को छलनी की मदद से छानते हुए उनको देखा गया। जब चाय बन गई तो उन्होंने बहुत करीने से ये चाय अपने साथ चल रहे नेताओं और समर्थकों को पिलाई। वोटर्स को हाथ से चाय बनाकर पिलाने में बीजेपी के उम्मीदवार भी पीछे नहीं है। दुर्ग से बीजेपी प्रत्याशी विजय बघेल प्रचार करते समय चाय की दुकान पर जा पहुंचे, उन्होंने भी खुद ही चाय बनाई। इतना ही नहीं, ट्रे में ले जाकर लोगों को चाय भी सर्व की। हमारे नेताजी ये नहीं समझ पा रहे कि 5 साल में एक बार चाय पिलाने से ही यदि वोटर खुश हो जाते तो चाय की दुकान वाले को ही सबसे ज़्यादा वोट मिलते। नेताओं को ये बात समझना चाहिए कि जब तक वो जनता की भलाई के काम करते रहेंगे तब तक जनता उनको खुश होकर वोट देती रहेगी।